హరే కృష్ణ. तो कई दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं. अध्याय 14, प्रकृति के तीन गुण. सभी दर्शनार्थी से विनती है मंदिर में शांति बनाए रखे. हमने देखा है कि जीवन में अनेक बंधन लोगों ने देखा है और अनेक बंधन से लोग बन जाते हैं. रिश्ते नाते के बंधन हमने देखे. कई लोग कैदियों को पुलिस पकड़ लेती है तो भी एक तरह का बंधन होता है. कोई बीमार हो जाता है तो उसके बीमारी का बंधन होता है. तो सामान्यतर मनुष्य अनेक बंधनों से बंधा हुआ होता है. हम जन्म लेते हैं और हर मनुष्य की मृत्यु होती है. लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये हम कभी सोचते नहीं हैं और सोचने का प्रयास नहीं करते कि क्या ऐसी चीज है जो हमें सब कार्य कराती है, एक के बाद दूसरा कर्म. साधारणतः लोग कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, तो सही बात है, कर्म करना चाहिए. लेकिन क्या कर्म करना चाहिए और किस कर्म से क्या फल मिलता है, इसकी चिंता आज के जमाने में इसकी सोच किसी को नहीं है. हम जो जीवन जी रहे हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक, कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, फिर वो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, फिर अपने नौकरी धंधे करते हैं और घर परिवार बसाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है. लेकिन एक बुद्धिमान मनुष्य को सोचना चाहिए कि ये तो हर घर में हो रहा है, हर व्यक्ति यही कर रहा है, फिर भी इससे हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, इससे हमें आज़ादी क्यों नहीं. हर व्यक्ति यही तो कर रहा है, चाहे वो काला हो, सफ़ेद हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, योगी हो, जोगी हो, या भोगी हो, या रोगी हो, सभी प्रकार के लोग यही तो कार्य कर रहे हैं. तो ये भगवद गीता में इसका उल्लेख दिया है कि क्या चीज़ है जो व्यक्तियों को यहाँ बांध के रखती है और कर्म करने पर मजबूर करती है. हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर. कई बार हमें ज़्यादातर यही लगता है कि मेरी सोच है ये और मैं कर रहा हूँ. नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हमें किसी गुणों द्वारा हम प्रेरित होते हैं. श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की. 8:30 बजे पुनः दर्शन होंगे. सभी दर्शनार्थियों से विनती है मंदिर में शांति बनाए रखें. तो इसे जानना बड़ा जरूरी है कि क्या चीज है जो हमें प्रेरित करती है कुछ कार्य करने के लिए. 24 घंटे का एक दिन होता है, तो इस 24 घंटे में हर व्यक्ति का एक समान मूड नहीं होता है, एक समान मन नहीं होता है. कभी सोने को मन करता है, कभी खाने को मन करता है, कभी दौड़ने को मन करता है, कभी कुछ कार्य करने को मन करता है. अनेक इच्छाएं मन में उत्पन्न होती है, अनेक इच्छा. पूरे दिन के समय में आप अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो अनेक प्रकार की इच्छाएं मन में आती है, अनेक प्रकार के विचार आते हैं. तो इसके पीछे कारण क्या है, ये अपने आप नहीं आते हैं. हम बैठे लगेगा चलो मैं जाके शॉपिंग करके आऊँ, फिर लगेगा सिनेमा देख के आऊँ, फिर लगेगा चलो सो जाऊँ, फिर लगते चलो कुछ पैसे कमा ले, कुछ नौकरी कर ले, कुछ बिजनेस कर ले. अनेक प्रकार के विचार मन में आएंगे, अनेक प्रकार की इच्छाएं आती है. तो इसका कारण हमें श्री भगवान इस अध्याय में देते हैं कि क्या ऐसी चीज है जो हमारे मन में इच्छा उत्पन्न करती है और जिसके कारण
हम प्रेरित होते हैं कुछ करने के लिए, कोई भी प्रकार का कार्य, तो ये तीन गुणों द्वारा होता है, जिसको उल्लेख दिया कि जो व्यक्ति इस तीन गुणों को समझ जाएगा उस व्यक्ति के लिए इस जीवन में प्रगति करना सरल हो जाएगा। क्योंकि हम बिना सोचे समझे अगर हम कार्य करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अभी क्या विचार आ रहे हैं, उसको किस कैटेगरी में समझा जाएगा। तो यहाँ तीन कैटेगरी भगवान ने कही गई, सत्व गुण, रजस तमस, तामसिक, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो आज की जो श्लोक संख्या है ये रजोगुण की बात कर रही है, रजोगुण कि रजोगुण में व्यक्ति क्या करता है। जब रजस होता है पैशन, रजोगुण के कारण हमारे मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती है और उन्हें फिर प्राप्त करने की इच्छा और तीव्र हो जाती है। पहले विचार आए, रजोगुणी विचार आए, और उसके बाद इच्छा हुई कि मुझे इसे प्राप्त करना है, और जब प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करना शुरू करते हैं। पहला स्टेज है विचार आना, फिर इच्छा तीव्र होना, और फिर उसके लिए व्यक्ति प्रयास करने लग जाता है। तो इसका मुख्य कारण यहाँ पे श्री भगवान कहते हैं कि जो रजोगुण है ये मुख्यतः स्त्री और पुरुष जब संपर्क में आते हैं तो रजोगुण के कारण आते हैं। ये रजोगुण आकर्षित करता है इच्छाओं को, और इससे क्या होता है, व्यक्ति फंसते जाता है उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए, फंसते जाता है। क्योंकि कुछ इच्छा प्राप्त की कि मुझे घर चाहिए, तो अभी घर लिए, मुंबई शहर में घर चाहिए, मतलब करोड़ रुपया चाहिए, तो करोड़ रुपए के लिए फिर आपको कार्य करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं आप जो कार्य करने जाएंगे उसमें मिल जाएगा। आपको कुछ पैसा मिलेगा फिर आपको और लगेगा कि हाँ मिल सकता है, और हम मेहनत करेंगे, और मेहनत करते करते जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन उस इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। तो ये रजस गुण है कि जब भी व्यक्ति किसी संपर्क में आएगा तो उसे लगेगा कि मैं और अच्छा करूँ। यहाँ विशेष तरह पुरुष और स्त्री का जो संपर्क है उसे कहा गया है आज के इस पर्पट में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री से मिलता है तो उससे आकर्षित हो जाता है, तो ये रजोगुण ये उसको आकर्षित करता है। तो ये तीन गुण डायरेक्ट मन में इफेक्ट करते हैं, मन में। इस भौतिक जगत में जो दुर्गा देवी है वो तीन रस्सी से सबको बांध के रखी है यहाँ पर। ये रस्सी दिखाई नहीं देती, हमें लगता है हम आज़ाद है, हम घूम रहे हैं, नहीं, ये तीन रस्सियाँ दिखाई नहीं देगी, जिसको बोलते हैं रजस तमस और सत्वगुण। ये तीन रस्सियों से हमें बांध के रखा गया है, और उनके ये तीनों रस्सी डायरेक्ट हमारे मन पे असर करती है। मन में इच्छा प्राप्त होती है, इच्छाएं अनेक आती है, कुछ देखने से, किसी चीज के संपर्क में आने से, या कुछ कार्य करने से। इसलिए प्रभुपाद ने ये संस्था बनाई है जहाँ पे तमोगुण और रजस से निकल के व्यक्ति को सत्वगुण में आने का एक पर्याय दिया जाता है, एक प्रैक्टिस। जैसे कोई थर्ड क्लास डिब्बे में सवारी कर रहा हो और उसे मौका दिया जाए कि फर्स्ट क्लास में सवारी करे, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। तो ये जो तमोगुण है थर्ड क्लास कैटेगरी में माना गया है, और रजोगुण सेकंड क्लास, और जो सत्वगुण है वो फर्स्ट क्लास। उसके ऊपर भी एक है शुद्ध सत्वगुण जो भक्ति में आते हैं। तो जब व्यक्ति किसी पुरुष और स्त्री का संपर्क होता है तो फिर उसे सबसे पहले इच्छा होती है उसे प्राप्त करने की, फिर वो सोचता है अभी स्त्री चाहिए तो फिर अगली क्या रिक्वायरमेंट है, घर और पैसा। तो घर लगेगा, पैसा लगेगा, फिर एक एक इच्छा आ गई, उसे आदमी मेहनत करने के लिए प्रयास करता है,
फिर उसके बाद संतान, फिर संतान के लिए अच्छा शिक्षण देना, अच्छे कार्य करना, और एक के बाद ऐसे अनेक इच्छाओं, अनेक ज़रूरतें आती रहेगी और उसे पूरी करते करते व्यक्ति कर्म करता है, और जब ये कर्म करेगा तो कर्म के बंधन में फंसता जाएगा। इसलिए सारे कर्म हमें निकाल नहीं सकते, इसलिए कर्म हमें प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण भावनामृत कर्म करो। माइनस कृष्ण, भगवान को माइनस करके जो भी कर्म करेंगे तो उसको बंधन में हमें फंसना ही पड़ेगा। तो हमें अनेक इच्छाओं की प्राप्ति में कर्म के बंधन लगते हैं और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम इस जीवन के दलदल में फंसते जाते हैं, इस जन्म से अगला जन्म और फिर और एक जन्म, और हम कभी निकल नहीं पाते, कर्म बंधन में हम फंसते ही जाते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं। तो वैसे ही ऐसे जंगल में अगर कोई आके मार्गदर्शन दे तो बाहर निकलना आसान हो जाता है। वैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें हमारे जीवन में इन कर्म के बंधन के चक्करों से कैसे निकलना है इसका रास्ता बताया, और ये क्या है, कृष्ण भावनामृत से। और हमें जो गुण है, तीन गुण है, हम कहते हैं कि हमें अनेक इच्छाएं आती, रजस तम ये बहुत है हमारे अंदर, तो ये कैसे कम होगा, कैसे निकलेगा, तो इसका कोई और कोई प्रयास नहीं है कि इसको कुछ ब्रश करके बाहर निकालना है या उल्टी करके बाहर निकालना है, ये कोई रास्ता नहीं है। ये तीनों गुण से बचने के लिए युग धर्म का नियम पालन करना है। युग धर्म क्या है, भगवान का नाम का रोज जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस भगवान के नाम के जप से हम हमारे जो तामसिक विचार है या राजसिक विचार है, ये सारे विचार सात्विक विचार हो जाएंगे, और ये भगवान का नाम कोई भी जप कर सकता है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। पैंट शर्ट वाला, जीन्स वाला, धोती वाला, हाफ पैंट, फुल पैंट, नो पैंट, सभी लोग भगवान का नाम जप कर सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है। और ये भगवान का नाम ही हमें इन तीनों गुणों से परे ले जाएगा, इसके लिए कोई कोर्स करना नहीं है और इसकी कोई फीस नहीं है, कोई लोन नहीं लेना है, कोई कर्ज नहीं लेना है। क्या लेना है, लेना है तो सिर्फ एक चीज, भगवान का नाम। और भगवान का नाम लेने के लिए कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई भी ले सकता है, बच्चा भी ले सकता है, बूढ़ा भी ले सकता है, सुबह भी ले सकते हो, शाम को भी ले सकते हो, खाने के पहले भी और खाने के बाद भी, कोई नियम नहीं है, सोने के पहले भी और सोने के बाद भी, इसके लिए कोई नियम नहीं है। भगवान का नाम के लिए नहा के या बिना नहाए भगवान का नाम जप करना है। जब हम भगवान का नाम का जप करेंगे तो हम अपने कर्मों के बंधन से निकलेंगे, इसके लिए कोई शीर्षासन करने की जरूरत नहीं, कोई टांग नीचे नहीं, कोई टांग ऊपर नहीं, दोनों टांग जमीन पे, और रोज भगवान का नाम जप करना है, यही कलियुग का धर्म है। हरे नाम एव केवलम, कलयु नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। जो भगवान का नाम लेगा वो सारे कर्म के बंधन से निकलेगा, चाहे वो रजस हो, तमस हो या सत्व गुण हो, इसके लिए और कोई प्रयास नहीं करना है। और प्रभुपाद ने लिखी इस भगवत गीता का हमें रोज अध्ययन करना चाहिए, और इसे जानना बड़ा जरूरी है। ये तो हम सोच रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, पता नहीं, अपने आप होता है, मैं जो कर रहा हूँ सही, हमें पता ही नहीं है तीन गुण हमें करवा रहे हैं, तीन गुण करवाते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान गीता में बोलते हैं जो तीन गुण है, रजस तम सत्व, ये व्यक्ति को कार्य कराता है, लेकिन जो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो ये मूर्ख आत्मा है, अहंकार से भरी थे, वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं, जैसे कोई कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा हो
और वो सोच रहा है मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूं। उसी प्रकार हमारी स्थिति है, हम सोचते मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्व रजस तमो गुण हमें सब करवाते हैं। तभी तो हम बोलते हैं यार आज मूड नहीं है। मूड नहीं मतलब क्या होता है? कोई और गुण कार्य कर रहा है तभी तो मूड नहीं है। कुछ नहीं करना है मतलब लेजी हो रहे हो तो तमोगुण कार्य कर रहा है। क्या मूड है? अरे सोने को मन कर रहा है। तो ये मन क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके मन पे किस गुण का असर है? तमोगुण। जब हमें मेहनत करना है या कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, जी हाँ बता रहे, घर, संतान, स्त्री, टेलीविजन, कार, ब्रिज, लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रगति, तो प्रगति भी क्या है? रजोगुण का निशानी है। हम सोचते प्रगति कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन किस में कर रहे हैं? रजोगुण में प्रगति कर रहे हैं। अनेक इच्छाओं का मार्ग है रजस, और जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएगी उतना ये गुण और हमें फंसाते जाएगा। आप कितने भी ब्रिज बना लो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं, चाहे मुंबई हो या अमेरिका। इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए रोजाना सवेरे शाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी भक्तों से विनती है कि रोज भगवान का नाम ले और सारे गुणों से परे हो जाएं, और रोज श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा रास बिहारी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हरे कृष्णा।